हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ला लीगा लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा सेविल्ला और वैलेंसिया के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, सेविल्ला ला लीगा में फिलहाल के टाइम पर 14 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें वैलेंसिया फिलहाल के टाइम पर 8 पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए सेविल्ला को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड में वैलेंसिया के सामने मैच खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं सेविल्ला को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम की ओर से, और यहाँ से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारे समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नज़र डालते हैं इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें सेविल्ला ने इस टीम के सामने 5 मैच विन करे हैं, सिर्फ एक मैच ड्रॉ खेला, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैक से 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी सेविल्ला इस टीम के सामने मैच खेलती है अधिकतर मैचेस विन कर लेती है, और प्रत्येक मैच में इस टीम के सामने कम से कम तो एक और कभी कभी तो पर मैच में 2 या 3 गोल तक स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस से इस टीम के सामने पर 2-3 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेविल्ला काफी मजबूती के साथ इस टीम के सामने खेलती है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला गया, उस मैच को सेविल्ला इसी टीम के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेल गई, एक गोल स्कोर किया और एक ही गोल कंसीड किया, और उसे मुकाबले सेविल्ला ने अपने होम में इसी टीम के सामने 3-1 से मैच को विन भी किया। उस मैच में सेविल्ला ने 3 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1 गोल कंसीड किया, और उससे पिछले 3 मैच इन दोनों टीमों के बीच में 4 मैच खेले गए, चारों मैच सेविल्ला ने विन किए, एक भी गोल इस टीम के सामने कंसीड नहीं किया, बल्कि प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया और मैच को विन भी किया। तो ये एक सेविल्ला की मजबूती दिखती है कि इसके सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो इसीलिए मैं सेविल्ला को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, सेविल्ला ने करंटली 6 मैच खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने सिर्फ एक मैच विन किया, बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच लॉस किए। अटैक से 0.8 और डिफेंस से 1.5। फिलहाल के टाइम पर इस टीम का जो परफॉर्मेंस है वो 50-50 है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। फिलहाल के टाइम पर सेविल्ला की तरफ से कुछ ऐसे प्लेयर्स गए हैं इस टीम की तरफ से जो इस टीम के वीक को दर्शाते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहा है डिफेंस से भी और अटैक से भी। अब बात करें जो पिछला मैच सेविल्ला 1-0 से विन करके आ रही है, अटैक से इस टीम ने 1 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया, और वो भी मलोरका के सामने। मलोरका ने उस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन सेविल्ला अपने डिफेंस के दम पर उस मैच को विन कर गई। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेले, दोनों मैच काफ़ी बेहतरीन टीम के सामने खेले, दोनों मैच में इस टीम ने 1 गोल स्कोर भी किया और डिफेंस से 1 गोल कंसीड भी किया। यहाँ से दिखता है इस टीम का अटैकिंग परफॉर्मेंस अच्छा है और डिफेंस भी कहने के मजबूत ही है। उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं और 1 मैच इस टीम ने अटैकिंग फिर से मैच को ड्रॉ खेला। तो यहां से पता चलता है कि इस टीम का अटैक तो अच्छा है, लेकिन डिफेंस कहने के पर मैच में गोल कंसीड कर देता है। तो आज के मैच में आपको शायद गोल कंसीड करने को मिल सकता है। लेकिन अब बात आती है करंट फॉर्म जो वैलेंसिया का, उस पर हम एक बार नजर डालते हैं। तो गाइस, वैलेंसिया करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने भी 3 मैच विन करें, 2 मैच ड्रॉ खेले, सिर्फ 1 मैच लॉस किया। अटैक से 2.5 है, डिफेंस से 1.3 है। कहने का मतलब, इस टीम का जो परफॉर्मेंस है, अटैक काफ़ी शानदार है, तभी तो मैच को विन कर लेती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन लॉस नहीं करती। और डिफेंस भी इस टीम का कहने के आपको मजबूत देखने को मिला, लेकिन एक कभी कभी ये टीम गोल कंसीड कर देती है। अब बात करें जो पिछला मैच वैलेंसिया इल्चे के सामने अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेल कर आई, 2 गोल स्कोर किए और 2 ही गोल कंसीड किए, और उससे मुकाबले ओसासुना के सामने टीम 2-1 से मैच को विन कर गई, और उसे मुकाबला 2-2 से टीम मैच को ड्रॉ के लिए। तो रिसेंटली मैचेस में इस टीम ने गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस से प्रत्येक मैच में गोल कंसीड किया है। तो यहां से इस टीम का अटैकिंग तो परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन डिफेंस गोल कंसीड कर देता है। अब बात करें उसे मुकाबले ये टीम 3-0 से विन किए, और एक मैच इस टीम ने 2-1 से लॉस किया, लेकिन उस मैच में भी इस टीम ने 1 गोल स्कोर किया, और एक मैच गेटाफे के सामने 5-1 से विन किया। तो अटैक काफ़ी शानदार है वैलेंसिया का, डिफेंस कहने के पर मैच में गोल कंसीड कर देता है। तो फाइनली गाइस, अब बात आती है कि अब इसमें
मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस उस पहले हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम का हेड टू हेड मैच पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग सेविल्ला की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी हल्की देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वैलेंसिया। वैलेंसिया की थोड़ी बेहतर पोजीशन है। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए सेविल्ला जब भी इस टीम के सामने मैच के लिए मैच को विन ही किया है, और वैलेंसिया ने इस टीम के सामने मैच को लॉस ही किया है। रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए सेविल्ला का जो परफॉर्मेंस अटैक और डिफेंस 50-50 है, और सेविल्ला का जो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज तो अच्छा है लेकिन डिफेंस इस टीम का भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको दोनों टीम आज भी 50-50 ही देखने को मिलेंगी। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि आज के मैच में सेविल्ला एक गोल स्कोर भी कर देगी और डिफेंस इस टीम के सामने सिर्फ एक ही गोल कंसीड करेगी। तो इसलिए मैं अपना इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-1 ड्रॉ, और 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करूंगा ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि यहां तक हमने वीडियो में बात की है कि कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है या ड्रॉ खेल सकती है और कितने गोल इस मैच में कुल मिलाकर हो जाएंगे। अब बात करेंगे इन गोल को कौन कौन से प्लेयर करेंगे और किस प्लेयर को हम अपनी टीम में कैप्टन बनाएं और किस आधार पर इन प्लेयर्स को हम अपनी टीम में सेलेक्ट करें उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं सेविल्ला के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे वैलेंसिया के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो नज़र डालते हैं सेविल्ला के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर सकते हो। और हाँ दोस्त, इस मैच की समोली की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का टॉप का कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस मैच में 10 ग्रैंड लीग टीम के साथ खेलोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप इस मैच में अच्छे खासी रैंक भी लाओगे, और मैं आपके लिए बताऊंगा किस किस प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। ओके, तो बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नज़र डालते हैं सेविल्ला के टीम के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस सेविल्ला की टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर ओलिवर टोरेस, जिसने इस टीम के लिए 3 गोल किए हैं, और मैं आपके लिए बता दूं ये डिफेंसिव वर्क भी काफ़ी अच्छा कर लेता है, बिना गोल के कम से कम 15-20 पॉइंट दे जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है कंसिस्टेंट। आप मान सकते हो कि सेविल्ला की टीम की तरफ से ये रेगुलरली एक प्लेयर कंटिन्यू खेल रहा है। ओके, फिर यहाँ से जोस एंजेल कारमोना, इस टीम तरफ से 2 गोल कर चुका है लेकिन 2 के 2 गोल इसने एज ए सब्स्टिट्यूट किए हैं। ओके, नेमांजा गुडेटजी जो कि इस टीम की तरफ से एज आपको मिडफील्ड तौर पर देखने मिलेगा, प्रीवियस मैच में इसने 1 गोल किया था मलोर्का के सामने और उस मैच में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। एरिक लमेला है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर लेकिन रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डाउन है। राफा मीर है, अगर खेलेगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर वरना खेलने का चांस बहुत कम है। करीम रैकिक है जो कि इस टीम तरफ से 1 गोल निकाल चुका है। तो आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे अभी तो यहाँ से सिर्फ आपको ओलिवर टोरेस देखने को मिलेगा, और नेमांजा को भी रख सकते हो क्योंकि डिफेंसिव वर्क ज़्यादा करता है, गोल असिस्ट का बहुत कम चांस रहते हैं। एरिक लमेला एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कभी कभी तो पेनल्टी भी ले लेता है। ओके, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड है। अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए तो इसको ये इसने 2 असिस्ट निकाले, और एक न्यू साइनिंग इस टीम के लिए। इससे पहले ये रियल मैड्रिड के लिए खेला और रियल मैड्रिड में काफ़ी समय इतने बिताया भी है, वहाँ पर इसको कम टाइम मिलता था तभी ये गोल और असिस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, और रियल मैड्रिड इतना ज़्यादा चांस किसी नए प्लेयर को नहीं देती। तो इसके पास एक मौका है कि ये अपना आपको अच्छा साबित करे और आगे तक एक बड़ा प्लेयर बना है। ओके, फिर यहाँ से जोस एंजेल कोर्मा जो कि 2 गोल 1 असिस्ट, अलेक्स टेलस है जो कि आपको एक मतलब एक टीम तरफ से ये भी एक न्यू साइनिंग है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और फिर यहाँ से गोमेज इस टीम तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर रहा था प्रीवियस सीजन, और यहाँ से कस्पर डोलबर्ग जो कि ये नाइस के लिए लीग 1 में खेल चुका है और उस टीम की तरफ से ये टॉप प्लेयर रहा है। तो आज के मैच में ये एक न्यू साइनिंग है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इस मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर कस्पर खेलेगा तो मैं अपनी टीम में जरूर पिक करूंगा, कैप्टन वाइज करूंगा, ट्राई कर सकते हो। गोमेज एक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसकी पोजीशन प्रीवियस मैच में अच्छी थी और आज भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नज़र डालते हैं वैलेंसिया के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस वैलेंसिया की तरफ से फिलहाल के टाइम पर एडिनसन कोवानी जो कि 2 गोल कर चुका है और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेल चुका है, प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रिसेंटली इसने जो गोल किया है वो 1-7-2 किए हैं, एक पेनल्टी में किया था, एक ओपन से किया था, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से डिखाई भी जो कि टीम तरफ से 2 गोल कर चुका है, शामू कास्टलेजे जो कि लालीगा 2 लीग में खेला, अब इसको इस
टीम ने साइन किया तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर ओके यहाँ से कॉमर्ट है जिसने एक गोल किया, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने एक एक गोल किया, आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आज के मैच में, कवानी मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, सेकेंड चॉइस कास्टेलेजो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है निको गोंजालेज, अगर इसकी पोजिशन अच्छी रही तो इनको ट्राई करेंगे। होगो डोरो प्रीवियस सीजन इस टीम की तरफ थर्ड हाइस्ट गोल टेकर था, बाकी का रिकॉर्ड आपके सामने, आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके तो अब बात आती है इस टीम तरफ कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट नाम अगर देखा जाए तो होगो गुलामान जो कि 3 असिस्ट निकाल चुका है, होगो नाम के इस टीम की तरफ से 2 प्लेयर्स आपको देखने मिलेंगे, आप इनमें कंफ्यूज ना लो, ये आपको मिडफील्ड में डिफेंडर देखने मिलेगा, वो मिडफील्ड में देखने मिलेगा। ओके फिर यहाँ से अल्मीडा इस टीम तरफ 2 असिस्ट निकाल चुका है, यूनुस मूसा है जिसने 2 असिस्ट निकाले, एडिनसन कवानी 1 असिस्ट निकाल चुका है, जोश गया इस टीम तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको भी ट्राई कर लेना। ओके तो अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मैंने एक लो स्कोरिंग मैच रखा है, मुझे लगता है कि दोनों टीमों का जो अटैक और डिफेंस है वो इतना ही गोल स्कोर कर पाएगा, तो इसी प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करते हैं ड्रीम इलेवन पर, और इसी वीडियो में हम हर एक प्लेयर्स के बारे में आगे चलकर डिटेल्स में बात करेंगे। ओके तो चलिए देखते हैं इस मैच की नेक्स्ट स्टेप को। तो गाइस सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं मैं इस मैच में फेवरेट टीम सेविल्ला को ही मान के चला हूं होम का एडवांटेज की वजह से। ओके और वैलेंसिया को मैं सिर्फ अपनी टीम में एक 4 प्लेयर के रूप में देख लूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उन्हीं को पिक करेंगे। कुल मिलाकर हमें अपनी टीम में इस मैच में 11 प्लेयर को पिक करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन साथ। अब 11 कौन कौन से प्लेयर रहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके तो सबसे पहले गोलकीपर सेक्शन से बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो हमारे टीम में आज गोलकीपर होगा वो वैलेंसिया का ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सेविल्ला का बेहतर रहेगा क्योंकि सेविल्ला का थोड़ा सा डिफेंसिव मजबूती कम देखने को मिली और वैलेंसिया का अटैक मजबूत देखने को मिला, तो आई थिंक यहाँ से हम सेविल्ला के गोलकीपर को ट्राई करेंगे। ओके बात करें यहाँ से डिफेंडर सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो गया रहेगी इस टीम की तरफ से, ये डिफेंसिव वर्क भी अच्छा खासा कर लेता है, प्लस असिस्ट पोटेंशियल और गोल भी कभी कभी कर देता है, तो इसलिए इनको पिक कर चलेंगे। फिर यहाँ से नियान जो इस टीम की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक न्यू साइनिंग है सेविल्ला की तरफ से, इस टीम के सेंटर बैक है, तो इनको पिक करके जरूर चलेंगे। फिर यहाँ से अलेक्स टेलेस है और हम अकुना को पिक करते हैं, और यहाँ से गैब्रियल पॉलिस्टा को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं जेसस नवाज को पिक करूंगा। जेसस नवाज को आप अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो एक लो स्कोरिंग मैच में, तो मुझे ये 4-5 प्लेयर चाहिए, बाकी जितना और प्लेयर से गैब्रियल वगैरह इन सब को मैं बिगले ड्रॉप करके चलाऊं, करीब रह के खेलेगा तो लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हुए ट्राई करेंगे। ओके बाकी का कोई चांस नहीं इनका। अब बात आती है मिडफील्ड सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी ओलिवर रहने चाहिए और यहाँ से कास्टेलेजो रहना चाहिए, तो दोनों प्लेयर्स अपनी टीम की तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इवान राकिटिक ये भी अच्छा खासा प्लेयर है, गोमेज को मैं अपनी टीम में फर्स्ट चॉइस मानता हूँ क्योंकि गोमेज भी अच्छा खासा प्लेयर है, प्रीवियस सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एरिक लमेला है, यूनुस मूसा है, होगो गोलमान है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से इसको एक न्यू साइनिंग है, रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है लेकिन चांस बहुत कम है, बाकी इन प्लेयर्स को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करने वाला, बाकी नीचे और भी दिख रहे हैं इनको तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट आपकी टीम में नहीं करूँगा। गुडेट जी है जो कि इस मैच में ही इसने एक गोल किया था, लेकिन देखने वाली बात रही क्या आज भी गोल करता है कि नहीं। ओके तो बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी कवानी, इस टीम की तरफ से एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, तो इनको तो पिक करके चलना। होगो डूरो इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन का थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर था, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, लेकिन दूसरी टीम सेविल्ला है क्या उसके सामने गोल कर पाएगा, तो मुझे थोड़ा मुमकिन कम लग रहे हैं। ओके फिर यहां से लिनो है, यूसुफ अन-नशरी है, सेविल्ला की तरफ से ये टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन अभी इसने गेम में स्टार्ट नहीं किया है, और बाकी जितने प्लेयर्स मुझे नहीं लगते खेलेंगे भी, तो ऑलरेडी हमने 7 प्लेयर सेविल्ला का पिक कर लिए, तो अभी के लिए हम जो पिक करने वाले हैं वो यहाँ से मैं डूरो को पिक करता हूँ, ओके क्योंकि टॉप क्लास प्लेयर है, तो यहाँ से लिनो को कर सकते हो, लेकिन लाइनअप को देखते हो। कैप्टनसी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो आज के मैच में कैप्टनसी रहेगी, हमको उसे वाइस कैप्टन देना चाहिए जो असिस्ट और गोल आने का चांस हो, प्लस डिफेंसिव वर्क भी अच्छा खासा कर लेते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैच लो स्कोर में देखने को मिलेगा, तो आई थिंक जो कैप्टनसी की ऑप्शन है फिलहाल के टाइम पर बहुत ट्रिकी है इस मैच में, ओलिवर को रख सकते हैं अभी के लिए, और वाइस कैप्टन गोमेज भी है, इनको इंटरसेव भी कर सकते हो, लेकिन टोरेस को कैप्टन बनाता हूं मैं, वाइस कैप्टन कवानी को बनाता हूं, तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है। दोस्त ये याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो पोजीशन के अनुसार लाइनअप के बाद जो पोजीशन रहती है उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्योंकि 90 मिनट बाद कौन सा प्लेयर खेलता है कौन से नहीं खेलता उसका अकॉर्डिंग रहता है। ओके तो फुटबॉल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो कैप्टन सभी के लिए मैंने इन दो को रखी है वाइस कैप्टनसी, और आप चाहे तो गोमेज को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा सजेस्ट करना, अगर करना है तो यहाँ से गया और यहाँ से जेसस नवाज, ये एक इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं लो स्कोरिंग मैच में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय दोस्त।